brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मुद्दे भाई ये रोजगार नहीं है, क्या है, क्या है इंसान के पास में, क्या छोड़ा है ये बताइए। ना आटा है ना कजो, आठ ये देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, इस पर क्या करेगा गरीब आदमी। इससे पहले भी खा रहा था, इससे पहले भी तो खा रहा था। बसपा से भी उम्मीदवार ब्राह्मण हैं, ये जाट हो गए, भाजपा से भी ब्राह्मण हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या वोटों का पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा? 100 में 60 हमारा और बाकी में बंटवारा। चौधरी विजेंद्र सिंह को मिलेगा? विजेंद्र चौधरी को कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई मानना। जाट, गुजर, ठाकुर, हर जाति का वोट हमें मिल रहा है, यहाँ तक कि LR जाति का बाबूजी की समाज का ही वोट हमें मिल रहा है 50% से भी ज़्यादा। अलीगढ़ में दूसरे चरण में मतदान होना है, 26 तारीख को वोटिंग है, उसी को लेकर सभी राजनीतिक दल लगातार एड़ी चोटी का जोर अपने प्रचार अभियान में लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। यहां पर समाजवादी व कांग्रेस गठबंधन से चौधरी विजेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं। नुमाइश ग्राउंड का ये इलाका है जहां मैं इस समय मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे मंच बना हुआ है जहाँ पर अखिलेश यादव अब से कुछ ही समय में आएंगे। लोगों की भीड़ नुमाइश ग्राउंड मैदान पर लगातार पहुंचनी शुरू हो गई है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और अखिलेश यादव को सुनेंगे आकर। चौधरी विजेंद्र सिंह जो हैं उनके बारे में बता दूं आपको, 2004 से लेकर 2009 तक वह कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा लगातार वो सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी उन्होंने 2020 में ज्वाइन की थी, जिसके बाद उनको अखिलेश यादव ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहना है उनका। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद यामीन। कहाँ से आएँ? जमालपुर। किसको सुनने आए? अखिलेश यादव को। क्या लग रहा है आपको चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल ये लग रहा है कि इधर क्या कहते हैं, अब साइकिल ही चलेगी। अच्छा जी, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? कुछ मुद्दे भाई ये रोजगार नहीं है, क्या है, क्या है इंसान के पास में, क्या छोड़ा है ये बताइए। ना आटा है ना कजो, आठ ये देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं, इसमें क्या करेगा गरीब आदमी। इससे पहले भी खा रहा था, इससे पहले भी तो खा रहा था। आप ये बताइए, 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में, तो क्या वो एहसान कर रहे हैं? इससे पहले भी खा रहे थे, भूखा बोल रहे हैं। मैं ये बताइए, आप ये बताइए क्या कर रहे हैं ये? अभी अब इंसान को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है, सब ये अलहदा अलहदा वो कर रहे हैं बोलने के लिए। ये बताइए क्या करा जाए, गरीब आदमी कहाँ से लाए, कहाँ से। मैं किराए के मकान पर रहता हूँ, किराए के मकान पर रहता हूँ, 3000 रुपये महीना किराए पर देता हूँ, सूटों का काम करता हूँ। अब ये बताइए मैं कहाँ से बच्चों को पालूँ, क्या करूँ बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम वकार हुसैन है। यहीं सभा में आए? हाँ, सभा के लिए आए। क्या क्या उम्मीदें, क्या हैं प्रत्याशी से? चौधरी साहब एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, नेचर वाइज, और पार्टी तो अच्छी है ही, जो समझे सबको, सबको साथ देने वाली पार्टी होनी चाहिए, जो सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। माननीय श्री गौतम जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गाली गलौज अच्छी तरीके से कर लेते हैं, डांट देते हैं, डपट देते हैं बड़ी तरीके से, जिसकी वजह कल देखी होगी आपने फील्ड भी कितनी अच्छी रही वहाँ पर सभा के अंदर, क्योंकि रोजगार के बारे में बात नहीं करनी है, किसी चीज़ के बारे में बात करो बात नहीं करनी है उन्हें, सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं हमारे गौतम जी, इसी वजह चल रहे हैं बेचारे। गलत। आइए, कुछ और लोग भी हैं। हाँ जी, क्या कहना है सर? गर्मी का असर दिख रहा है क्या सभा में? नहीं, कोई असर नहीं है, लोग आ रहे हैं। सरकार बन रही है गठबंधन की, माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ आ जाएंगे, भीड़ संभाले नहीं संभलेगी, ये मंच और ये जगह छोटी पड़ जाएगी। प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह मैदान में है, इसके अलावा बसपा से भी उम्मीदवार ब्राह्मण हैं, ये जाट हो गए, भाजपा से भी ब्राह्मण हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या वोटों का पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा? 100 में 60 हमारा और बाकी में बंटवारा। इस बार जो है गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो इतिहास रचने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अलीगढ़ के अंदर पहली बार जीतने जा रहा है और जीत कर रहेगा। सातों कौमों का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को जो समर्थन मिल रहा है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है। चाहे किसी भी कौम का कोई भी व्यक्ति हो, आप कहीं भी चले जाइए, ये हालात हैं कि जो प्रत्याशी हैं दूसरे भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ जहाँ वो प्रचार में जा रहे हैं वहाँ उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं उल्टे सीधे, पब्लिक उन्हें घुसने नहीं दे रही है। उसी तरीके से किसी भी समाज का कोई आदमी हो, हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे साथ जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो सब मिल करके
जिस तरीके से यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता का समर्थन, मोहब्बत, प्यार मिल रहा है। अखिलेश जी के हाथ मजबूत हो रहे हैं और अलीगढ़ में साइकिल की लहर आ चुकी है और ये इतिहास रच के रहेगा इस बार। क्या चौधरी विजेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर सपा में आए तो कांग्रेस के अंदर जो उनकी गुटबाजी थी वो चुनाव प्रचार में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा रही है आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम सब लोग अतरौली से आए हैं, अतरौली से भी तमाम कांग्रेसी हमारे साथ आए हैं। जिला अलीगढ़ के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो सभी लोग मजबूती के साथ जो चुनाव को लड़ा रहे हैं। ये जो ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी जो है क्या कहें लोगों में नाइतफाक़ी नहीं है, सब लोग चुनाव लड़ा रहे हैं मजबूती से। क्या उम्मीदें दिख रही हैं? उम्मीदें 100% हमारी जीत है। गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा, विजेंद्र सिंह को सभी जाति विशेष का वोट मिल रहा है। अल्पसंख्यक भीमर कुमार का कश्यप मल्ला नाई धोबी कोई ऐसी जाति बची नहीं है जिनका वोट ना मिल रहा हो, 100% वोट मिल रहा है। और हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलजुल कर जो क्षेत्र में जा रहे हैं और बड़ा प्यार मिल रहा है, हाहाकार मच रही है, बदलाव 100% बदलाव हो रहा है। और 1.5 लाख से ऊपर हमारी विजय है, हमारा जो प्रत्याशी है कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीत के आगे बना। चौधरी विजेंद्र सिंह जाट हैं और प्रत्याशी को जाट हैं और जाट बहुल मानी भी जाती है सीट, क्योंकि खैर की बेल टप्पल तक विधानसभा में जाट बहुत हैं। तो जो जाट वोट बीजेपी को देता हुआ वोट आया था या इस बार जयंत चौधरी उनके साथ चले गए, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अलीगढ़ का जाट बीजेपी के साथ चला जाएगा जयंत की वजह से या फिर चौधरी विजेंद्र सिंह को मिलेगा? जयंत चौधरी को कोई नहीं पूछ रहा, ना कोई मानना, जाट गुजर ठाकुर हर जाति का वोट हमें मिल रहा है, यहाँ तक कि LR जाति का बाबूजी की समाज का ही वोट हमें मिल रहा है 50% से भी ज़्यादा। इस बार जीत पक्की? बिल्कुल जीत पक्की है, किसी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, सातों जातियों का वोट मिल रहा है हमारे प्रत्याशी को। गर्मी भी बहुत है? गर्मी से कोई टेंशन नहीं है, जब दिल मिला हुआ होता है, जनता का दिल मिला हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ और प्रत्याशी की तरफ, तो गर्मी कोई नहीं देख रहा फिलहाल, भारी मतों से जीत होगी। चलिए ठीक है। ये अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी की रैली में हम आए थे, यहाँ पर अखिलेश यादव आने वाले हैं कुछ समय बाद और यहाँ संबोधित करेंगे। लोगों का कहना यह है कि उनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पहली बार अलीगढ़ में अपना जीत का खाता खोलेगी, क्योंकि अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता है। इनको उम्मीद है कि सातों जाति का वोट इनको मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से बहुत ज़्यादा जनता नाराज़ है, ऐसा सपा के समर्थकों का कहना है। और जो जाट प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह हैं, इन लोगों का मानना यह है कि जाट बहुल अलीगढ़ सीट पर जाटों का वोट चौधरी विजेंद्र सिंह को ही मिलेगा। अकरम खान, अलीगढ़, UP तक।